मौत का खेल जासूसी उपन्यास भाग अट्ठाइस स्विमिंग सिंड्रेला और सलीम आपस में पीठ जोड़े हुए बैठे थे सिंड्रेला हाथों में फूल लिए उनकी पंखुड़ियों को एक एक करके तोड़ रही थी मानो कोई विश का फैसला कर रही हो कि पूरी होगी या नहीं जब सारी पंखुड़ियां टूट गईं तो वह अचानक साजन सलीम उर्फ प्रिंस ऑफ बम्बेबो के सामने आकर बैठ गई उसने दो तीन बार पलखें झपकाईं और उसके बाद सलीम से पूछा तुम सचमुच प्रिंस हो बिल्कुल तुम्हें शक क्यों है साजन सलीम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा प्रिंस जैसे लगते नहीं होना सिंड्रेला ने मुंह बनाते हुए कहा मतलब तुम में वह नजाकत और अदा नहीं है प्रिंसों वाली अदा तो लड़कियों में होती है और नजाकत हम महल में रख कर आते हैं बाहर उनकी क्या ज़रूरत है मुझे भी दिखाओ न एक बार नजाकत मैंने आज तक किसी प्रिंस को नहीं देखा ना प्रिंस तुम्हारे सामने बैठा है जितना चाहो उतना देख लो नहीं मुझे तुम्हारी नजाकत देखनी है मैं जानना चाहती हूँ कि नजाकत क्या होती है सिंड्रेला ने जिद करते हुए कहा सलीम ने हाथ बढ़ाकर एक फूल तोड़ा और फिर हाथों को हाफ राउंड देते हुए सिंड्रेला को फूल पेश कर दिया उसके बाद कहा नजाकत इसे कहते हैं मैं समझी नहीं अगर मैं सीधे सीधे आपको ये फूल यू दे देता तो ये सिंपल सी बात होती लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पेश किया वही नजाकत है सलीम ने एक्टिंग करते हुए बताया रुको मैं भी करती हूँ इसके बाद सिंड्रेला ने प्रिंस ऑफ बंबेबो यानी साजन सलीम को वह फूल पेश कर दिया अलबत् उसने हाथ को दो बार घुमा दिया था उसकी इस कोशिश पर सलीम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका सिंड्रेला हंसने लगी सलीम ने उससे पूछा तुम्हारे यहाँ कपड़े बहुत शानदार से ले जाते हैं मैं सोच रहा हूँ कि अपने कपड़े भी तुम्हारे यहाँ से सिलवाया करूँ अफकोर्स सिंड्रेला ने कहा फिर उसने पूछा अभी कपड़े कहाँ सिलते हैं तुम्हारे हमारे स्टेट के ही एक टेलर मास्टर हैं मियाँ जुम्मन वह सीते हैं हमारे कपड़े अब उनकी आंखों से ज़रा कम ही दिखता है उन्होंने मेरी एक पेंट सिली है उसमें एक पांचा पैंट का है और दूसरा निक्कर का सलीम ने गंभीरता से कहा अरे नहीं ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने सिंड्रेला ने ताजुब से पूछा मैंने बताया न कि उन्हें अब जरा कम दिखता है वह कपड़ा मैंने एक फंक्शन के लिए सिलवाए थे फिर मुझे वैसे ही पहन कर जाना पड़ा नतीजे में आज हमारी स्टेट में एक बड़ा और एक छोटा पांचा फैशन बन गया है सलीम ने गंभीरता से कहा सच कह रहे हो सिंड्रेला ने कहा झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है सलीम ने जवाब दिया फिर उसने पूछा एक बात बताओ मैंने तुम्हारे यहाँ दस कपड़े दिए सिलने को और अगर वह बाकी कपड़ों में मिक्स हो गए तो मुझे फिर ऐसी ही कोई परेशानी होगी हम एक मैकेनिज्म पर काम करते हैं टेलर कपड़ों पर निशान लगाता है यही नहीं टेलर जो कपड़ा सिलता है उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखता है सिंड्रेला ने समझाते हुए कहा वेरी गुड अच्छा मैं तुम्हें एक कपड़ा दिखाता हूँ क्या तुम पता करके बता सकती हो कि वह कपड़ा किसने सिलवाया था बिल्कुल सिंड्रेला ने कहा साजन सलीम ने मोबाइल में डॉक्टर वरुण वीरानी को पहनाए गए कपड़े और कॉलर पर लगा टैग उसे दिखा दिया इसके बाद उसने दोनों ही फोटो सिंड्रेला के मोबाइल पर सेंड भी कर दिए मैं तुम्हें कल तक बता दूंगी सिंड्रेला ने कहा उसके बाद वह बोली तुम भी ना इतनी खूबसूरत जगह पर कपड़ों की बात लेकर बैठ गए मैं जा रही हूँ स्विमिंग करने तुम्हें स्विमिंग आती है सलीम ने पूछा बिल्कुल आती है मैं हॉर्स राइडिंग भी कर लेती हूँ और स्कीइंग भी सिंड्रेला ने कहा उसके बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और टू पीस में झील में कूद गई वह यकीनन अच्छी तैराक थी साजन सलीम का चेहरा झील की तरफ ही था लेकिन वह अपनी सोच में गुम था उसका ध्यान केस में ही उलझा हुआ था तुम भी आ जाओ सिंड्रेला ने आवाज़ दी हमारे स्टेट में लड़कियों के साथ स्विमिंग करना मना है साजन सलीम ने टालते हुए कहा किसी को क्या पता कि तुम मेरे साथ स्विमिंग कर रहे हो अब तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ कुछ वक्त बाद सिंड्रेला झील से बाहर आ गई सलीम के पास आकर उसने अपने सर को हल्का सा झटका दिया और पानी की ढेर सारी बूंदें सलीम पर गिरकर बिखर गईं सिंड्रेला खिलखिलाकर हंसने लगी सिंड्रेला अपने कपड़े लेकर साजन सलीम के पीछे चली गई उसने पीछे से सलीम को हिदायत देते हुए कहा मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ तुम पीछे मत देखना नामों की लिस्ट इंस्पेक्टर सोहराब लॉर्ड एंड लेरी टेलर्स के यहाँ से मिली लिस्ट को खंगाल रहा था वह चेक कर रहा था कि थर्टी फर्स्ट की पार्टी में शामिल कितने लोग ऐसे हैं जो लॉर्ड एंड लेरी में कपड़े सिलवाते हैं दो साल के ग्राहकों की लिस्ट से नाम तलाशना मुश्किल काम था ये काम करना ही था वह काफ़ी देर से इसमें लगा हुआ था उसे अब तक बीस नाम मिल चुके थे बस कुछ पेज और बचे थे सोहराब ने सिगार सुलगा ली और बाकी बचे पेज भी चेक करने लगा सिगार खत्म होते होते वह पेजेज भी उसने चेक कर डाले कुल पच्चीस नाम ऐसे थे जो राजेश शरबतिया की पार्टी में शामिल थे और वह लार्ड एंड लेरी में कपड़े सिलवाते थे सोहराब ने एक बार फिर उन नामों को शार्ट आउट करना शुरू किया इनमें सात नाम महिलाओं के थे इन नामों को उसने लिस्ट से बाहर कर दिया जो कपड़े डॉक्टर वरुण वीरानी को पहनाए गए थे वह अपने रंग रूप और आकार के हिसाब से पुरुष के कपड़े ही हो सकते थे अब लिस्ट में कुल अट्ठारह नाम बचे थे सोहराब ने वह नाम अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिए शाम के छः बज रहे थे सोहराब ऑफिस से निकल आया वह पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था उसने फैंटम का दरवाजा खोला और कार स्टार्ट कर दी खुफिया विभाग के गेट पर पहुंचकर उसने रिमोट से गेट खोला और बाहर निकल आया गेट से कुछ दूर जाकर उसने कार रोक दी उसने मोबाइल निकालकर राजेश शरबतिया को फ़ोन मिलाया और कुछ देर बात करके फोन रख दिया फैंटम एक बार फिर चल पड़ी फैंटम का रुख राजेश शरबतिया की शहर वाली कोठी की तरफ था उसने बैक मिरर में पीछे की तरफ देखा कहीं पीछा तो नहीं किया जा रहा है कई बार चेक करने के बावजूद उसे ऐसी कोई गाड़ी नजर नहीं आई जिस पर पीछा करने का शुबा किया जा सके फैंटम की रफ्तार तेज थी सोहराब किसी सोच में डूबा हुआ था सोहराब की निगाहें विंड स्क्रीन पर जमी हुई थीं वह बैक ग्लास में पीछे भी देख लेता था उसकी कार राजेश शरबतिया की कोठी की तरफ घूम गई तभी उसने एक कार को बाहर आते हुए देखा उसे एक महिला चला रही थी सोहराब ने पहली ही झलक में उसे पहचान लिया ये वही महिला थी जो थर्टी फर्स्ट नाइट की पार्टी में गलती से सोहराब के कमरे में आकर सो गई थी बाद में उसने उसे लाश घर में भी देखा था उस महिला की सोहराब से कुछ पल के लिए नजरें भी मिली उसके बाद वह दूसरी तरफ देखने लगी सोहराब ने गेट पर खड़े गार्ड को अपना परिचय बताया और उसने उसे अंदर जाने दिया राजेश शरबतिया ने गार्ड को उसके आने के बारे में पहले ही बता दिया था सोहराब ने कार को पार्किंग लाट में ले जाकर रोक दिया वह फैंटम से उतर कर सीधे कोठी की तरफ चल दिया बहुत आलीशान कोठी थी सफेद संगमरमर से बनाई गई थी शाम की लाली इस संगमरमर पर भी साफ नजर आ रही थी कोठी का रंग गुलाबी सा हो गया था पार्किंग के बगल में काफी लंबा चौड़ा बाग था इस हिस्से से कोठी काफी ऊंचाई पर थी कोठी तक जाने के लिए लिफ्ट भी थी और सीढ़ियां भी थीं सोहराब ने सीढ़ियों का रास्ता चुना था वह सोलह सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कोठी के बरामदे तक जा पहुंचा बरामदे में ही उसे राजेश शरबतिया मिल गया शायद उसने सीसीटीवी में सोहराब को देख लिया था उसने सोहराब का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया सोहराब ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा नाइस nice सूट बहुत शानदार फिटिंग है कहाँ सिलवाते हैं थैंक यू हमारे यहाँ के कपड़े तो बरसों से लॉर्ड एंड लेरी के यहाँ ही सिलते हैं राजेश शरबतिया ने मुस्कुराते हुए कहा वह सोहराब का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में लेकर चला गया ड्राइंग रूम यूरोपियन स्टाइल में सजाया गया था एक कोने में एक आदमकद खूबसूरत सा स्टैचू खड़ा था सफेद संगरमर से बना यह स्टैचू एक लड़की का था उसकी आंखें बहुत खूबसूरत बनाई गई थी यूं लगता था जैसे वह लड़की आंखों से मुस्कुरा रही हो मूर्तिकार ने अपना सारा हुनर उसकी आंखों में ही दिखा दिया था हालांकि मूर्ति का बाकी हिस्सा भी बहुत बारीकी से उभारा गया था एक तरफ दीवार पर ऑल पेंट से बनी तीन पेंटिंग लगी हुई थी यह शायद शरबतिया के पुरखों की पेंटिंग थी ये पेंटिंग शरबतिया फैमिली के विकास क्रम को भी दिखा रही थी सबसे पहली पेंटिंग में दिखने वाले बुजुर्ग धोती और कमीज पहने हुए थे सर पर उन्होंने काले रंग की टोपी लगा रखी थी उनकी घनी मूनछे थी दूसरे नंबर की पेंटिंग में मूनछें जरा पतली हो गई थी उन्होंने भी धोती कुर्ता पहन रखा था सर पर काली की जगह सफेद टोपी आ गई थी तीसरी पेंटिंग राजेश शरबतिया के पिता की थी उन्होंने छाती तक बंधी एक ढीली सी पैंट पहन रखी थी होठों पर बॉर्डरलाइन लाइन मूछे थीं और सर पर गोल हैड था वह अपनी फोर्ड मॉडल कार के सामने खड़े थे शरबतिया ने सोहराब को सोफे पर बैठाते हुए कहा तुम पहली बार यहाँ आए हो मैंने तो कई बार बुलाया लेकिन तुम और तुम्हारा काम तुम्हें तो कहीं आने जाने की फुर्सत ही नहीं है नहीं ऐसा नहीं है बस इत्तेफाक रहा कि अक्सर तुमसे मुलाकात ऑफिस में ही हो जाती थी इस वजह से कभी इधर आना ही नहीं हुआ तुम शराब तो पीते नहीं हो दिन तो करोगे न साथ में राजेश शरबतिया ने स्नेह से पूछा मैं माफी चाहूंगा दिन फिर कभी कर लूंगा दरअसल मैं इधर आया हुआ था सोचा तुमसे भी मिल लूँ सोहराब ने कहा राजेश शरबतिया ने मेज से रिमोट उठाकर बेल बजाए और एक लड़की तेजी से अंदर आकर खड़ी हो गई राजेश ने उससे कहा प्रिया बेहतरीन नाश्ता लेकर आओ इस तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं है राजेश सोहराब ने कहा मुंह बांध कर आए हो क्या राजेश ने हंसते हुए कहा सोहराब भी हंसने लगा तुम्हारी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची या कि केस ही बंद हो गया राजेश शरबतिया ने पूछा कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा सोहराब ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया फिर कहने लगा बहुत अजीब केस है अब तक ये ही तय नहीं हो सका कि यह हादसा था या कत्ल मतलब राजेश शरबतिया ने आश्चर्य से पूछा ये भी तो मुमकिन है कि खेल खेल में कातिल बने शख्स से गलती से ज्यादा गला दब गया हो इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा मुमकिन तो है राजेश शरबतिया ने सोचते हुए कहा यह मौत का खेल खेलने की तजवीज मेजर विश्वजीत ने रखी थी ना सोहराब ने पूछा हाँ लेकिन क्यों राजेश शरबतिया ने चौंकते हुए पूछा नहीं बस यूं ही ख्याल आ गया काफी दिलचस्प खेल है सोहराब ने कुछ देर ठहरने के बाद कहा लेकिन अगर सचमुच का कतल न हो जाए तो सोहराब की इस बात पर राजेश थोड़ा सा कपका गया अभी तुम्हारी कोठी से एक कार निकली है उसे कोई लेडी चला रही थी वह भी तो पार्टी में मौजूद थी ना क्या नाम है उनका सोहराब ने अचानक ही पूछ लिया मेरे यहाँ तो कोई नहीं आया मैं खुद अभी ऑफिस से लौटा हूँ तुम पहले मेहमान हो राजेश शरबतिया ने कहा तभी सोहराब की निगाहें खिड़की की तरफ उठ गईं उसने देखा कि कोई खिड़की से झांक रहा है सोहराब के उस तरफ़ देखते ही वह तेज़ी से हट गया खिड़की पर हिलता उसका साया भी धीरे धीरे ओझल हो गया राजेश शरबतिया के घर इंस्पेक्टर सोहराब क्यों गया था खिड़की से झांकने वाला कौन था इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कुमार रहमान का जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग